एसटी फैक्ट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है नारियल में पानी कहां से आता है या फिर पबजी एक दिन में कितना कमाता है? इस वीडियो के हर एक सवाल आपका सर घुमाने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में बने घंटी को भी दबा दीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, अगर रात नहीं होती तो क्या होता? सोचो, अगर रात नहीं होता तो हमारा सोने का टाइमिंग सही नहीं होता। अगर रात नहीं होती तो शायद लाइट का आविष्कार नहीं हुआ होता और हम यह वीडियो नहीं देख पाते। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है पबजी मोबाइल एक दिन में कितना कमाता है? एक रिपोर्ट के अनुसार पबजी मोबाइल अकेले नवंबर 2018 में 32.5 मिलियन डॉलर कमाए थे। यह भारतीय रुपए में लगभग 230 करोड़ रुपए हुए। इसके अनुसार पबजी मोबाइल प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए कमाता है। फैक्ट नंबर 8, टिकटॉक के कुल कितने यूजर्स है? सभी कंट्री को मिलाकर बात करें तो टिकटॉक पर कुल 1 बिलियन से ज्यादा यूजर है, जिसमें से सिर्फ इंडिया में 120 मिलियन से ज्यादा यूजर है। फैक्ट नंबर 7, चींटी के मुंह में कितने दांत होते हैं? चींटी के मुंह में अन्य जीवों की तरह दांत नहीं होते हैं, उनके पास मैंडिबल्स होती है जो चबाने, काटने या छेदने के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर 6, आईफोन इतना महंगा क्यों होता है? इसके कई कारण है। पहला, रेटिना डिस्प्ले, और दूसरा कैमरा, और तीसरा होता है प्रोसेसर, और इसमें सोना तथा चांदी की मात्रा होती है, जिसके चलते आईफोन इतना महंगा होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है एक पेड़ हर साल लगभग 2000 लीटर पानी धरती से सोख लेता है? फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है डॉग के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आप जानकर चौंक जाएंगे, एक स्वस्थ डॉग के मुंह में लगभग 42 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी किस इंसान को मिलती है? तो सबसे ज्यादा सैलरी इंडिया में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हमारा आंख कितना मेगापिक्सल का होता है? तो आप जानकर दंग रह जाएंगे, हमारा आंख 576 मेगापिक्सल का होता है। फैक्ट नंबर 1 के पहले हमारा एक टारगेट है, इस यूट्यूब फैमिली को 1 मार्च से पहले 10,000 लोगों का यूट्यूब फैमिली बनाना है, तो प्लीज लाल कलर का बटन को दबाकर इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और पास में बने घंटी को भी दबाइए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि नारियल के अंदर पानी कहाँ से आता है? सर, कच्चे नारियल यानी हरा नारियल जिसके अंदर पानी होता है, यह पानी एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है। जब नारियल कच्चा रहता है तो एंडोस्पर्म पानी के अंदर घुला रहता है। जैसे जैसे नारियल पकता है वैसे वैसे यह पानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम खाते हैं। Thank you.